सो हे व्हाट इज़ अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि एक इजी और एफिशिएंट फार्म कैसे बनाएं जो कि पोर्क चॉप और लेदर देगा हमें, और वो भी कुक्ड वाली देगा। तो ये जो फार्म है इसमें हॉगलिन का यूज़ होगा, तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो फार्म है इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने खुद ही बनाया है, तो खुद की इन्वेंशन है, किसी की वीडियो से चुराया नहीं है। और इसका आइडिया मुझे तब आया, अगर आप जो मेरी नेदर स्काई ब्लॉक की वीडियोस है वो देखी हैं आपने या आप देखते हो, तो आपको एक चीज़ याद होगी जो मेरे साथ हुई थी। इस वजह से मुझे इस फार्म का आइडिया आया और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप सबको क्या चाहिए। तो ये सामान चाहिए होगा आपको, तो एक चेस्ट चाहिए होगी, 9 हॉपर चाहिए होंगे, 18 स्लैब्स चाहिए होंगे, कोई से भी ले सकते हो, बस वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसमें आग लग सके, जैसे कि वुडन स्लैब्स। फिर आपको अपने कोई से भी एक ब्लॉक ले लेने हैं, एक स्टैक ब्लॉक चाहिए होगा आपको कोई भी, लेकिन बस ये वुड नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए जो जले ना। उसके बाद आपको एक ग्लास पेन चाहिए होगा, एक लावा बकेट चाहिए होगी, 12 ग्लास ब्लॉक्स चाहिए होंगे और 6 लैडर चाहिए होंगी। तो बिना रेडस्टोन वाला फार्म है, रेडस्टोन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप लोगों को जो ये फार्म है नेदर में ही बनाना है, क्योंकि ये ओवरवर्ल्ड में काम नहीं करेगा, तो बस यही एक लिमिटेशन है इसकी, और कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चेस्ट लेनी है, उसको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग हॉपर लेंगे और पीछे से 3 हॉपर अटैच कर देंगे कुछ ऐसे, और फिर आपको इन हॉपर की साइड में और हॉपर लगाने, तो 3 हॉपर इस साइड से लगाने और 3 हॉपर दूसरी साइड से। और ध्यान रखना है कि ये जो हॉपर है ये इन हॉपर से अटैच होने चाहिए और ये सारे हॉपर चेस्ट से अटैच होने चाहिए, ताकि जो हमारी लूट है वो चेस्ट में चले जाए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद आपको जो ये हॉपर है इनके ऊपर स्लैब्स लगाने, तो कोई भी स्लैब्स यूज़ कर सकते हो आप, कॉबलस्टोन के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि वुड वगैरह के नहीं होने चाहिए, नहीं तो जल जाएगा सब कुछ। उसके बाद आप लोगों को एक ग्लास लेना है और यहाँ पे ग्लास लगा देना है चारों तरफ से, तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे ग्लास, तो चारों तरफ ग्लास लगा देना है आपको, पूरा अच्छे से कवर करना है और ग्लास ही लगाना है और कोई ब्लॉक मत लगाना। और ग्लास हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो चेस्ट है खुल सके हमारी और हम सारी लूट भी ले सकें। इसके बाद आपको यहाँ पे स्मूथ स्टोन लगाना है, ये तो इसको भी मैं इस तरह से लगा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको लावा बकेट लेनी है और बीच वाले स्लैब पे कर देना है। तो स्लैब्स हमने इसलिए भी लगाए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बच जाती है जहाँ पे हमारे बेबी हॉगलिन आने वाले हैं। तो यहाँ पे अब और एक और लेयर स्मूथ स्टोन की लगाओ आप। ओके, जब ये ऐसा हो जाएगा तब आपको स्लैब्स चाहिए होंगे और स्लैब्स को आपको यहाँ पर लगाना है इस तरह से, तो इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस होगी, देन लावा आएगा, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर से स्मूथ स्टोन की एक और लेयर बनानी है। और अब की बार आपको यहाँ पर स्लैब्स लगाने हैं जो कि ये वाले ब्लॉक्स हैं, इसके यहाँ पर लगाने हैं, तो इस तरह से कुछ स्लैब्स लगने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बचनी चाहिए, देखो जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ थोड़ी सी स्पेस होगी और यहीं से जो बेबी हॉगलिन है वो नीचे आएंगे। ओके, इसके बाद आपको एक और स्मूथ स्टोन की लेयर लगानी है यहाँ पे, और इसके बाद बनेगी हमारी लास्ट लेयर। तो ये बस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप सर्वाइवल में खेल रहे होगे तो। और ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो हॉगलिन होते हैं हॉस्टाइल मॉब है, पैसिव मॉब नहीं है, तो ये आपको मारेगा ज़रूर। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक ग्लास पेन लेना है और यहाँ पे लगा देना है। तो देखो ये ग्लास पेन किसी चीज़ से अटैच नहीं होना चाहिए, और अगर आपने सही तरीके से करा है तो ये अटैच भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सारे स्लैब्स लगे हुए हैं, तो ये बहुत होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत कर देना। ओके, तो अब सब कुछ रेडी हो चुका है, बस हमको हॉगलिन को लाना है ऊपर। तो आप लोग सर्वाइवल में हो तो अगर आपको हॉगलिन को अंदर लाना होगा तो कुछ इस तरह की आपको स्टेयर्स बना लेनी है यहाँ पे ब्लॉक से,
और जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आपको बटन्स लगा देने ताकि जो हॉगलिन है वो सीधा नीचे गिर जाए, और आपको बस उन्हें पीछे पीछे भगा के लाना है अपने, और यहाँ पे खड़े हो जाना है तो आप वापस अंदर नीचे गिर जाएंगे आराम से। ओके, एक बार अगर हॉगलिन जो है वो अंदर आ जाए तब आप लोगों को बटन्स तोड़ लेने हैं जो भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ, और देखो कभी कभी ऐसा होगा कि हॉगलिन ऊपर चढ़ेंगे और कूदेंगे, मतलब कूदा फांदी करेंगे थोड़ी सी, तो ये ज़रूरी है इनका करना वरना फार्म जो है वो काम नहीं करेगा। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी ये जो क्रिम्सन फंगस है वो लेनी है और इनको फीड करनी है। तो अब यहाँ पे उछल कूद करेंगे थोड़ी सी, और फिर जो बेबी हॉगलिन है वो यहाँ पे आ जाएगा खुद ब खुद। तो ये बेबी हॉगलिन यहाँ पे आ चुका है और थोड़ी देर के लिए जलेगा लेकिन ये मरेगा नहीं, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। तो ये बेबी हॉगलिन यहाँ पे आ चुका है, अब जब ये खुद ब खुद बड़ा होगा तो इसकी जो लूट है वो चेस्ट में आ जाएगी अपनी। तो अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप लोग ट्रैप डोर लगाओ और इसको फीड करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो ये आपको मान नहीं आएगा बाहर। तो कभी कभी ये वॉल से बाहर ग्लिच हो जाते हैं, तो आप यहाँ से इसे फीड कर सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि देखो ये हॉस्टाइल मॉब है और अगर ये बाहर आया तो आपको मारेगा खाली। तो एक बार ये बड़ा हो जाए तो यहाँ पे खुद ब खुद मर जाएगा और इसकी जो लूट है वो चेस्ट में आ जाएगी। तो लेदर और पोक चॉप के साथ फार्म कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे लैडर लगा सकते हो ताकि आप इजीली एक्सेस कर सको फार्म को, ऊपर जो हॉगलिन है वहाँ को, ताकि आप उनको फीड कर सको आराम से इजीली। तो गाइज ये था हमारा सिंपल सा हॉगलिन फार्म, या फिर कह सकते हो लेदर और कुक्ड पोक चॉप फार्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फार्म हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं हम अगले नए एपिसोड में।